के भूपेश बघेल सरकार में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर 2023 विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तय नहीं कर पा रही है। कहा कि भाजपा में पॉलिटिकल क्राइसिस है और किसी का नाम नहीं तय कर पा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय को हटाया और बेइज्जती किया। उसी दिन आदिवासी समाज जो आहत हुआ और बहुत सारे लोग इनके विरोध में हैं। वही धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश में गरमाई सियासत के बीच कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इसे आरएसएस और भाजपा का गुप्त एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि अलगाव पैदा करने की कोशिश है। हमारी सरकार का नजरिया साफ है कि जो भी उन्माद फैलाएगा कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव नज़दीक हो वहां आरएसएस को जिम्मेदारी दी जाती है, विंग सक्रिय हो जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार तो अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो धर्म निरोधक कानून बना हुआ है उसका जो वायलेंस करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरएसएस भी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस के सरकार में धर्मांतरण हो रहा है और ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि जिनका नाम आप ले रही हैं आरएसएस, इस प्रकार की गतिविधि को संचालन करने के लिए उनको जिम्मेदारी दिया जाता है। जिन स्टेटों में चुनाव होता है, जिन राज्यों में चुनाव होता है, चुनाव से पहले एविंग सक्रिय हो जाता है और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में इन लोगों का कहीं ना कहीं हाथ रहता है।